स्टार्ट कर दिया। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया पाठक और मैं हूँ अंकिता पाठक, यू नो मी एवरीवन। और हम लोग जा रहे हैं बाय बाय कहीं तो भी घूमने के लिए, और वहाँ पर आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा हम लोग व्लॉग शूट करते रहेंगे, सो स्टे ट्यून विद अस कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दे सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा शूट करेंगे ना हम लोग, ऐसा हिंट दूंगी कि किसको समझ में नहीं आएगा। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और अभी हम लोग देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाय करो, हाय। और हमारी नीचे ओला ऑटो भी आ गई है, और यहाँ से जब हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे हो रही थी शादी, और मैंने थोड़ा सा वो भी शूट कर लिया क्योंकि म्यूज़िक बहुत ही अच्छी आ रही थी। और आप यहाँ के रोड दे सकते हैं, बहुत क्लीन है। बोलो ना एक बार कुछ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और ये रहा वो बहुत ही बड़ा वाला गार्डन प्लस जू, और इसके बाहर बहुत अच्छी अच्छी खाने पीने की दुकानें थी। और ये रहा गेट, इसी गेट के थ्रू अब हम अंदर जाएंगे, और मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू ले रही थी बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जो ये गार्डन, म्यूज़ियम, ज़ू, ये हार्डली वडोदरा से 7 किलोमीटर दूर है, और प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा है ये। और अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे, यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी। और जिस दिन हम गए थे उस दिन संडे था, इसलिए बहुत रश थी, और मैं यहाँ सिर्फ फूलों का वीडियो ले रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। अभी आप ये जो बहुत बड़ी लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है टिकट्स के लिए, जिसको भी ज़ू के अंदर जाना है वहाँ पर ये लाइन्स लगी हुई हैं, और टिकट का प्राइस है 20 रुपीज़। संडे होने की वजह से लाइन थोड़ी ज़्यादा थी, बट टिकट इजीली हमें मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बच्चों का टिकट है 10 रुपीज़ और बड़ों का टिकट है 20 रुपीज़, सो इजीली हम जा सकते हैं और अपने अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने टिकट ले ली है और अब हम अंदर जा रहे हैं। ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने मेन मेन चीज़ों को ही घूमा है। सो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रैबिट से। यहाँ पे रैबिट, वाइट पिजन और काफ़ी कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा थे रैबिट्स, और उसमें भी कलर्स थे, ये रहे वाइट पिजन। पिजन में भी बहुत सारे शेड्स थे इन लोगों के पास, तो त्रिशा के लिए यहाँ पे आके घूमना बहुत, मीन्स उसके लिए बहुत, उसे बहुत पसंद आया, इवन हम सबको बहुत पसंद आया। ये अभी हम जा रहे हैं मंकी सेक्शन में, यहाँ पे आपको जिस भी लाइक एनिमल्स को देखना है तो वहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, तो आपको वही लाइक वो आपको इंडिकेट करेंगे कि अब आपको कहाँ जाना है। ये एक बहुत बड़ा पैरेट था, लाइक इसके बहुत सारे उसमें कलर्स थे, और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे इसको इंट्रोड्यूस कराने की शायद बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब ऑनेस्टली मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था और कांट बिलीव कि मैं इसको देख के इतना ज़्यादा डर गई थी कि पूरा पूरा फॉरेस्ट जब हम लोग थे तो मुझे गूज़बम्स पूरे आए हुए थे, इतना डर लग रहा था, और बहुत अच्छा भी लग रहा था मुझे देखने में। और यहाँ पे थे बहुत सारे मंकी, और वो पता नहीं कैसी कैसी एक्टिंग कर रहे थे कि सब लोग देख देख के उन लोगों को हंस रहे थे, सब लोग। त्रिशा तो इतना ज़्यादा हंस रही थी, वो लोग कुछ अलग ही एक्टिंग कर रहे थे, कभी कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है, कभी कोई किसी को मारने की एक्टिंग कर रहा है, और यहाँ पे भी बहुत अलग अलग टाइप्स के मंकी थे। फिर थोड़ा सा जब हम आगे बढ़े तो हमें स्वैन देखने के लिए मिला, ब्लैक कलर में थे ये सब, और त्रिशा को पहले से ये बहुत पसंद है। फिर ये रहे टॉर्टोइस, और यहाँ पे आप प्लीज़ ध्यान से देखना, ये मंकी सोने की एक्टिंग कर रहा है और ये बिल्कुल भी सोया हुआ नहीं है ये। और नेक्स्ट, ओ माय गॉड, इतना डर गई थी मैं, इतना डर गई थी क्योंकि ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, आई वॉज सो हैप्पी। मैंने इसके हर एक मूवमेंट को कैप्चर किया, जब इसका फेस वहाँ था तब भी कैप्चर किया, जब ये सामने आया तब भी मैंने इसे कैप्चर किया है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने जूम करके कोशिश की है आप लोगों को दिखाने की शेरनी को, और ये एकदम कोने में बैठी हुई थी, और यहाँ पे एक धीरे धीरे चल रही थी, और मैंने सोचा फटाफट वीडियो कैप्चर कर लें। और यहाँ पे था लेपर्ड, और लेपर्ड
को कांच के अंदर रखा हुआ था, और बिकॉज जहाँ पे वो था उसको बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, और हम लोग बाहर से पूरी तरीके से यहाँ पे देखो सामने जो कांच के आगे बैठा हुआ लेपर्ड हम इसे देख पा रहे थे, इसी बेचारे को पूरा पैक करके रखा था। और अब हम निकल रहे थे यहाँ से बाहर की तरफ, बट हम पूरा नहीं कवर अप कर पाए थे म्यूजियम एंड ऑल, बट ट्राई करेंगे कवर करना नेक्स्ट टाइम। जब हम बाहर की तरफ आ रहे थे तो मैंने इसका फेस देखा कि मेरे सामने था, और मैं फिर एक्साइटेड हो गई और मैंने सोचा नहीं अब मुझे इसको मिस नहीं करना, और रियली सॉरी मैंने फिर से इस वीडियो को ऐड किया बिकॉज इसका फेस एकदम मेरे सामने था और मुझे देखना था इसको फिर से कैप्चर करके कि कैसा लग रहा है ये। और फिर से मैं बहुत सरप्राइज़ हो रही थी क्योंकि मैंने देखा था इसे फर्स्ट टाइम, और मैं खुश भी बहुत थी और मैं डरी हुई भी बहुत ज़्यादा थी। और जब ये रोर कर रहा था ना तो पूरा फॉरेस्ट हिल रहा था, इतना ज़्यादा हिल रहा था, पूरी लाइक मैं अगर बोलूँ ना आपको तो पूरी धरती हिल रही थी, ऐसा लग रहा था इसके रोर करने से। और जब ये चलने लगा तो ये और ज़्यादा क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इसे सिर्फ कैप्चर किए जा रही थी पूरी जगह से, जब ये चल के उठ के जा रहा था आ रहा था, और मुझे लग रहा था मैं एक भी वीडियो मिस ना करूं, और कैप्चर करते जा रही थी मैं। आप इसकी वॉक देखिए गाइस, इसकी वॉक कितनी ज़्यादा डेंजरस लग रही है। और जब ये रोर कर रहा था ना तो लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे थे इसके रोर करने से, इवन सब डर जा रहे थे। ये मेरा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने बचपन में देखा था, और मुझे कुछ नहीं याद था, और मैंने फिर से देखा, त्रिशा हम सब ने देखा, बहुत एंजॉय किया। तो आप भी ज़रूर जाना अपने अपने बच्चों को लेकर के जू, एटलीस्ट जू तो ज़रूर जाना, बहुत अच्छा लगता है, और वो लोग बहुत खुश भी होते हैं देख करके। मैं खुश हो रही थी, त्रिशा से ज़्यादा तो मैं खुश हो रही थी एक्चुअली। और देखिए मैं इसको फिर कैप्चर कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बस देखती रहूँ और कैप्चर करती रहूँ। अब ये फिर से नीचे उतरेगा और फिर चुपचाप जाकर ये बैठ जाएगा। और संडे का दिन होने की वजह से इतनी पब्लिक थी, और सिर्फ शेर के पास खड़ी हुई थी उसे देखने के लिए। और अब ये जाकर शांति से बैठ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर निकलते निकलते मैंने फिर इन लोगों का वीडियो वापस शूट करना स्टार्ट कर दिया था, और अगेन मैं यहाँ से निकल रही थी और ये एकदम हम लोगों के पास में आ गया था, एकदम पास में। सिर्फ एक, अगर मैं बोलूँ तो एक सिर्फ वॉल थी इसके आगे और कुछ भी नहीं था। तो मैंने फटाफट वापस अपने फ़ोन को ऑन किया और वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि ये कितना करीब है, ये बहुत करीब में था मेरे मुझसे। और अब ये धीरे धीरे, एक्चुअली ये गया था अपने लंच पे, और मुझे पता चला ये लंच पे गया है और ये लंच से आ गया था खा पी करके। और मैं भी बाजू में अंकल से पूछ रही थी कि ये क्या खा कर आया, इसने क्या किया। पीछे आप मोर देखेंगे, आपको पीछे मोर दिख रहा होगा पीछे जस्ट। और मैं जस्ट इसके बारे में इंक्वायरी ले रही थी कि ये क्या खाया, क्योंकि यहाँ पे दो जन थे, एक खाने गए थे, एक वॉक कर रहा था, और अंकल मुझे सब एक्सप्लेन कर रहे थे। मज़ा आया ना त्रिशा, मज़ा आया, बहुत कुछ देखा। अभी तक शेर की रोर करने की आवाज़ आ रही है, बहुत कुछ। हाँ एक्चुअली अभी भी है। और ये रही चुक 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 रेलगाड़ी, मैंने थोड़ा सा इसे भी कैप्चर कर लिया। और निकलने का टाइम हो चुका था, काफ़ी लेट होने लगा था। कैसा फील कर रहे हैं? योगा हो रहा है उसके, देख योगा चालू है। योगा चालू है। अद्वैत 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 अच्छा बाल अद्वैत अद्वैत ऐसे मत करो कि मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी इसको। अद्वैत गाइस हम लोग घूम के आ गए हैं, कृष्णा हम लोग घूम के आ गए ना, बहुत ₹10 फॉर वन वीडियो चल रहा है वहाँ पे। और पूरा को पूरा हम लोग भूल चुके हैं। क्या भूल चुके हैं पूरा बता। ₹10
आप लोगों को त्रिशा पूरा पका रही है। मैं बता दूं, हम लोग अभी जो जू था घूम के आ गए हैं, और उसके त्रिशा रुको रुको रुको, हम लोग उसके बाद डी मार्ट शॉपिंग करने गए बहुत सारा, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा भी हो गया, और हमने आके घर पे डिनर भी किया। और त्रिशा वो आपको सब कुछ वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, आज क्या क्या हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को क्या करना, लाइक करना, सब लोग बोलो साथ में, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, खाना खाना नहीं भूलते हो ना, तो ये भी करना मत भूलना। मुझे पता है आप लोग वीडियो देख कर ऐसे ही छोड़ते हो, त्रिशा है ये कुछ भी बोल सकती है। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।